हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स ले रही हूँ। एंड सबसे पहला जो ये वाला वीडियो है जिसमें मैं एडम स्मिथ्स थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कवर करने वाली हूँ। सी, ये क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर आता है। बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस। इन्होंने अपनी थियोरी दी है कि अगर इकोनॉमी को डेवलपमेंट चाहिए तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, दो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ग्रोथ अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। अगर आपको पता है कि डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस क्या है। तो इन्होंने जो थियोरी दी है, उन्होंने बताया कि अगर किसी भी इकोनॉमी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है अपने कंट्री में या नेशन में, तो उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे इकोनॉमी डेवलपमेंट के पाथ पर चलेगी। तो एडम स्मिथ की थियोरी है, ये क्लासिकल थियोरी है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थियोरी है, बिकॉज एडम स्मिथ जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, देन केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट है। ये हम क्यों बोल रहे हैं कि वो क्लासिकल है? क्योंकि वो ज़्यादातर जो क्लासिकल लोग जो भी है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, वो उनके जो थॉट प्रोसेस थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे। वो सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो वही सोचते थे कि लेजे फेयर इकोनॉमी होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। इक्विलिब्रियम जब भी होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट ही होगा, उस टाइम पीरियड पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ऐसी सब चीज़ें जो एक तरीके की सोच रखते थे, तो वो सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। तो एडम स्मिथ उनमें से एक थे। तो उनकी थियोरी उन्होंने किसमें दी है? ऑब्वियसली उनके जो फेमस बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने ये थियोरी दी है। सबसे पहले किन चीज़ों की बेसिस पे उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, वो चीज़ें मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। तीन चार चीज़ें हैं एंड देन उसको एक वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। द वेरी बिगनिंग इज़ लेजे फेयर। ये एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स अगर आप रीड करोगे, उनके थॉट प्रोसेस क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहले ये आएगा कि वो बिलीव करते थे लेजे फेयर में। लेजे फेयर यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, मार्केट खुद ब खुद काम करेगा, मार्केट में गवर्नमेंट को कुछ इंटरवेंशन करने की, प्राइस एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। खुद डिमांड एंड सप्लाई एडजस्ट होके, खुद ब खुद प्राइस चेंज होके, मार्केट खुद ब खुद इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अगर समझो इक्विलिब्रियम ये है, ठीक है, ये आपका डिमांड है, ये सप्लाई है, इक्विलिब्रियम ये है, अचानक डिमांड बढ़ गया तो प्राइस खुद एडजस्ट होके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद काम करते हैं, लेजे फेयर इसको बोलते हैं, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। तो ये एक चीज़ है कि गवर्नमेंट, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। तो एडम स्मिथ भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थियोरी में ये एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं कि लेजे फेयर होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ही लेड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम इन कंडक्टिंग द इकोनॉमिक अफेयर्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट। वो बोलते हैं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को कुछ भी चीज़ करनी है, तो उसमें किसी भी तरीके का गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ही एडवोकेटेड फ्री ट्रेड अमंग नेशंस। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। अब फ्री ट्रेड क्यों होना चाहिए, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वो इन्होंने जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी है ना, जो मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। फ्री ट्रेड यानी ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, टैरिफ, कोटा या एक्सपोर्ट सब्सिडी, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, ट्रेड एकदम फ्री होना चाहिए। तो ही एडवोकेटेड फ्री ट्रेड अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड अर्ज्ड दैट ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड शुड बी रिमूव्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होगा, इन फ्री ट्रेड से क्या होगा,
इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन मतलब अपने काम में आप स्पेशलाइज करने लगोगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एंड इंक्रीज द इनकम्स ऑफ नेशन. इससे फ्री ट्रेड होगा. ऑब्वियसली हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी देखी है कि फ्री ट्रेड के अंदर कैसे जिस कमोडिटी में आपका एडवांटेज है उसमें स्पेशलाइज करके आप बेनिफिट्स ला सकते हो. तो फ्री ट्रेड से इंटरनेशनल स्पेशलाइज होगा, आप उस कमोडिटी में स्पेशलाइज करके जिसमें आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज है. ये एडम स्मिथ की थ्योरी है और उससे आप बेनिफिट कर सकते हो, आपको गेन्स भी मिलेगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या तो आप मेरे चैनल पे जाके एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा बाय एडम स्मिथ. तो उससे गेन होता है. तो फ्री ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़, फ्री ट्रेड क्या करेगी, एक मार्केट ओपन कर देगी. तो वो भी हम कवर करेंगे कि उससे क्या और बेनिफिट भी होगा. थर्ड क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट थियोरी एज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ इज डिविजन ऑफ लेबर. वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू थिंग्स विच आई एम राइटिंग राइट नाउ, डिविजन ऑफ लेबर एंड फोर्थ थिंग कैपिटल अक्यूमुलेशन. इन्होंने, एडम स्मिथ ने जो थियोरी दी है उसमें ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो कह रहे हैं कि डिविजन ऑफ लेबर एंड कैपिटल अक्यूमुलेशन से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है कोई भी नेशन. अब इनसे कैसे होगा, सबसे पहले हम समझते हैं डिविजन ऑफ लेबर क्या हो रहा है. डिविजन ऑफ लेबर समझने के लिए हम समझते हैं कि एक कोई प्रोडक्ट है, एक कोई कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी, ठीक है. अब उस एक्स कमोडिटी को बनाने के लिए चार स्टेजेस हैं. समझो कि हम कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं कि कोई एक क्लॉथ बनाना है, कोई भी एक शर्ट बनानी है, ठीक है. अब शर्ट बनाने के लिए पहले, सबसे पहले कॉटन लाना पड़ेगा. कॉटन ऑब्वियसली प्लांट से आएगा, तो वो कॉटन प्लांट, एंड देन कॉटन लिया, देन कॉटन से हमें थ्रेड बनाना पड़ेगा. आई एम गोइंग फ्रॉम द बेसिक लेवल, ऐसे नहीं कि थ्रेड मिल जाएगा, थ्रेड आप खुद बना रहे हो. देन थ्रेड से आप क्या करोगे, थ्रेड से आप देन क्लॉथ बनाओगे पहले, तो सबसे पहले, एंड देन क्लॉथ से आप शर्ट बनाओगे. शर्ट बनाने के बाद उसमें बटन लगाओगे, बटन लगाने के बाद उसमें फाइनल पैकेजिंग करोगे, ठीक है. तो ये सारी स्टेजेस हैं शर्ट बनाने की. अब अगर मैं एक अकेली लड़की होके, या फॉर इन द सेंस एक अलोन प्रोड्यूसर हूँ, एक ही पर्सन हूँ, ऐसे आप ले सकते हो, एक पर्सन, ओनली ए पर्सन जो है वो सारे काम कर रहा है, वो कॉटन ला रहा है, उससे थ्रेड भी बना रहा है, उससे क्लॉथ भी बना रहा है, उसके बाद शर्ट बना रहा है, उसके बाद बटन बना रहा है, उसके बाद पैकेजिंग भी कर रहा है. अगर वो बंदा खुद सारी चीज़ें करेगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, साथ ही साथ वो एक चीज़ में स्पेशलाइज नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो सारी चीज़ें करने में कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऊपर से स्पेशलाइजेशन नहीं है, ऊपर से टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो हम क्या करेंगे, हम चार बंदों को लाएंगे, ए बी सी डी. ए बंदा जो है वो कॉटन लेके आएगा और उससे थ्रेड बनाएगा. बी बंदा जो है वो क्लॉथ बनाएगा, थ्रेड से क्लॉथ बनाएगा. सी बंदा जो है वो शर्ट बनाएगा और उसमें बटन लगाएगा. और जो डी बंदा है वो पैकेजिंग करके मार्केट में सेल करेगा. इससे क्या होगा, इससे ए बंदा जो है वो स्पेशलाइज करेगा कॉटन लाने में और थ्रेड बनाने में स्पेशलाइज करेगा. वो देखेगा कि कहाँ पे कॉटन सस्ता मिल रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ वही काम करना है, सारे काम थोड़ी कर रहा है, सारे काम का टेंशन उस पर है ही नहीं. उसको टेंशन सिर्फ किस बात का है, कॉटन लाने का, सस्ते दाम पे कॉटन लाने का और उससे अच्छे से अच्छा थ्रेड बनाने का. तो वो उसी चीज़ में स्पेशलाइज करेगा, वो देखेगा कहाँ पे कॉटन सस्ता मिल रहा है, वो वहाँ से कॉटन लाएगा, किस मशीन से थ्रेड अच्छा मिल रहा है, कौन सा थ्रेड अच्छा बनेगा उस कॉटन से, किस तरीके से अच्छा थ्रेड बन सकता है कॉटन से, वो उस चीज़ में स्पेशलाइज करेगा. अब उस चीज़ में स्पेशलाइज करेगा तो ऑब्वियसली जो आउटपुट होगा वो अच्छा होगा, यानी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी.
अब अकेला अगर ए बंदा ये सारी चीज़ें करता तो वो एक दिन में सिर्फ एक शर्ट बना पाता। अब अगर डिवीजन ऑफ लेबर हम ऐसे कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। एक दिन में आप शायद 10 शर्ट बना पाओगे। तो अगर ए बंदा अकेले सारी चीज़ें बना रहा है तो उसको एक दिन में वो सिर्फ एक शर्ट बना पाएगा या मैक्सिमम 2 शर्ट बना पाएगा। अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर करते, बी जो है वो पर्टिकुलरली शर्ट खाली बना रहा है, उस पर बटन्स लगा रहा है, सी जो है, या बी सिर्फ क्लॉथ बना रहा है, सी जो है वो शर्ट बना के बटन्स लगा रहा है, डी मार्केटिंग पैकेजिंग में ध्यान दे रहा है, तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। वो अपने जो काम है उसमें स्पेशलाइज करेंगे और फिर आउटपुट भी ज़्यादा होगा। एक दिन में 10 शर्ट बन के मिलेंगे, पैक्ड होके मिलेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने क्या मेंशन की, डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ कैपिटल अक्यूमुलेशन की बात हुई। कैपिटल अक्यूमुलेशन क्या है, कैपिटल अक्यूमुलेशन सिंपल ऐसा है कि जितना आप कैपिटल अक्यूमुलेट कर पा रहे हो, यानी वेल्थ को इंक्रीज कर पा रहे हो थ्रू व्हाट, थ्रू प्रॉफिट एंड यू में से इंटरेस्ट या इन द सेंस प्रॉफिट से ही आप, दिस इज़ नॉट कैपिटल इन द सेंस, आप मशीन्स की बात नहीं कर रहे हो, आप कैपिटल अक्यूमुलेशन यानी वेल्थ को इंक्रीज करने की बात कर रहे हो थ्रू प्रॉफिट, ठीक है। तो कैपिटल अक्यूमुलेशन आप वैसे समझ सकते हो इन बेसिक टर्म्स। तो इन दो चीज़ों से एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमी जो है वो अपने आप को डेवलप कर सकती है, लेकिन इन दो चीज़ों से कैसे होगा वो हम समझेंगे। द टू फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ मोर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड कैपिटल अक्यूमुलेशन, सॉरी द टू फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ मोर डिवीजन ऑफ लेबर आर कैपिटल अक्यूमुलेशन एंड साइज ऑफ मार्केट। वो कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर आए, मतलब कोई भी नेशन में या कोई भी चीज़ बनाने में डिवीजन ऑफ लेबर कब होगा, दो चीज़ों से अफेक्ट होगा। एक है कैपिटल अक्यूमुलेशन यानी आप प्रॉफिट्स वेल्थ से, यानी प्रॉफिट से आप वेल्थ बढ़ा रहे हो, कैपिटल अक्यूमुलेट कर रहे हो, प्रॉफिट्स को यूज़ कर रहे हो, और दूसरी चीज़ है कि साइज़ ऑफ द मार्केट। साइज़ ऑफ द मार्केट बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइज़ ऑफ द मार्केट हम डिटेल में अभी आगे समझेंगे क्या है, और इसी वजह से एडम स्मिथ ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए। आगे देखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। पहले डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि बेनिफिट्स क्या क्या है डिवीजन ऑफ लेबर के, कि उससे क्या होता है, उससे डेक्सटरिटी बढ़ती है, डेक्सटरिटी बढ़ती है, देन सेविंग इन टाइम, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया, सेविंग इन टाइम, टाइम सेव हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता। देन इन्वेंशन होता है, न्यू इनोवेशन लाते हो आप ढूंढते हो, नए मार्केट ढूंढते हो, रॉ मटेरियल कहाँ पे सस्ता मिल रहा है वो ढूंढते हो। तो ये सारी इसकी डिवीजन ऑफ लेबर के एडवांटेजेस हैं या बेनिफिट्स हैं। उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो तो हमने देखा ही। डिवीजन ऑफ लेबर इज़ प्रॉफिटेबल ओनली इफ एडिक्वेट मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड, ओनली इफ देर इज़ एडिक्वेट मार्केट ऑफ द फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड। वो क्या बोल रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर तभी होगा व्हेन देर इज एडिक्वेट मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है कि अभी समझो, मुझे पता है कि मुझे सिर्फ 5 यूनिट्स बनाने हैं उस कमोडिटी के, तो क्या मैं एम्प्लॉयज़ को बोलूँगी कि आओ मुझे हेल्प करो, या लेबरर्स एम्प्लॉय करूँगी? नहीं, 5 तो यूनिट्स सिर्फ बनाने हैं। मार्केट में सिर्फ डिमांड 5 यूनिट का होता है हर महीने, एक महीने में सिर्फ 5 यूनिट का डिमांड होता है, तो मैं वो खुद ही कर सकती हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर कब होगा, जब मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा हो, यानी एडिक्वेट मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस,
इसका मतलब है मार्केट ज़्यादा हो या तो फिर डिमांड ज़्यादा हो। डिमांड ज़्यादा कब होगा? या जब मार्केट साइज़ बड़ा होगा। आप मार्केट साइज़ देख रहे हो सिर्फ आपके एरिया में, आपके एरिया में सिर्फ 5 लोग ही डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ का, तो आप बोलोगे मैं खुद बना के मैं सारी चीज़ें वो शर्ट सिर्फ 5 जन ही मेरे एरिया में सिर्फ 5 जन ही डिमांड कर रहे हो, तो मैं खुद ही 5 शर्ट बना के दे देता हूँ, क्यों मैं दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करूँ। जब आप मार्केट साइज़ बढ़ाओगे तो और ज़्यादा लोग डिमांड करने लगे। आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे, इंटरनेशनल मार्केट फ्री ट्रेड है, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट तो आपको बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, और जब बड़ा मार्केट मिल गया डिमांड ज़्यादा होने लगा, डिमांड ज़्यादा होने लगा तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवीज़न ऑफ लेबर करना पड़ेगा, जिससे लोग स्पेशलाइज हो जाए अपने काम में और आपको अच्छा प्रोडक्टिविटी मिल सके। इतने बड़े मार्केट का इतना बड़ा डिमांड आप खुद अकेले कैटर नहीं कर सकते। इस वजह से एडम स्मिथ ने कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो फ्री ट्रेड होना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में फ्री ट्रेड होना चाहिए, जिस वजह से आपका मार्केट साइज़ बढ़ जाएगा। मार्केट साइज़ बढ़ा उसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा डिमांड करेंगे, आप एक अकेले बंदे सारे कुछ नहीं कर सकते, तो आप डिवीज़न ऑफ लेबर करोगे। डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। तो ये सारा एक कनेक्टिंग डॉट्स हैं। इसके आगे एडम स्मिथ जो है उन्होंने एक इंक्रीजिंग, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात की थी कि अगर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है कि अगर आप जितना आउट इनपुट बढ़ा रहे हो उससे ज़्यादा आपको आउटपुट बढ़ के मिल रहा है। आप इनपुट सिर्फ 2 यूनिट से बढ़ा रहे हो, आउटपुट जो है वो 4 यूनिट से बढ़ के मिल रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहा है इन केस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। आप डिवीज़न ऑफ लेबर करोगे, इनपुट बढ़ाओगे, उससे ज़्यादा आउटपुट आपको बन के मिलेगा। तो एडम स्मिथ ने इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस किया। बाकी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा कि एक बार सेल्फ जनरेटिंग हो गए, यानी खुद सारे चीज़ करने लगे, या एक स्टेशनरी स्टेट पे ग्रोथ मिल गया, उसके बाद वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाता है, वो दूसरे इकोनॉमिस्ट ने कहा था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में, लेकिन एडम स्मिथ ने इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात की। अब हमने कनेक्टिंग डॉट्स क्या बनाए, डिवीज़न ऑफ लेबर होगा उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ये कब होगा डिवीज़न ऑफ लेबर, जब साइज ऑफ मार्केट हाई है। अब इन्हीं चीज़ों के वजह से आप देखोगे कि इकोनॉमी एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस में ग्रो करने लगती है। इंडस्ट्री जनरली परमिटेड ग्रेटर स्कोप फॉर डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन दैन एग्रीकल्चर। अब एडम स्मिथ ने ये भी कहा कि देखो, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा स्कोप है डिवीज़न ऑफ लेबर होने का रादर देन एग्रीकल्चर सेक्टर। देयरफॉर इन रिच डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इस वजह से आप देख सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, उन्होंने स्पेशलाइज अच्छे से किया है, डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ है, इस वजह से वो डेवलप हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिवीज़न ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन कम होता है, इस वजह से डेवलपिंग नेशंस जो है वो जो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल है तो उनमें आपको ज़्यादा डेवलपमेंट दिखने नहीं मिलता। अनदर इम्पॉर्टेंट रिलेटेड नोशन पुट फॉरवर्ड बाय एडम स्मिथ वाज डिवीज़न ऑफ लेबर इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ मार्केट। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर साइज़ ऑफ मार्केट छोटा है, आप सिर्फ अपने एरिया में देख रहे हो जहाँ पे सिर्फ डिमांड 10 यूनिट्स का है, आप बोलोगे मैं खुद बनाऊँ। अगर मार्केट बहुत बड़ा है जहाँ पे आपको 10 लाख यूनिट्स बनाने हैं, 10 लाख यूनिट्स बनाने, तो ऑब्वियसली आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको डिवीज़न ऑफ लेबर करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो क्या कहा, डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ लिमिटेड बाय साइज ऑफ मार्केट, और इसी वजह से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड फ्री होना चाहिए। क्यों? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जब फ्री होगा तब आप
इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हो तो डिमांड बढ़ेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात हुई थी, अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल क्या किया इन्होंने, दो चीज़ें अगर आप बुक रीड करोगे, ये जो बुक है मैं जो बुक रेफ़र कर रही हूँ वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स HL आहूजा का बुक, बहुत बेसिक बुक है। तो इसमें अगर आप रीड करोगे तो सेंटेंस दिया हुआ है जो मैं फटाफट से रीड कर देती हूँ, कैपिटलिस्ट्स आर इंक्रीज्ड, यानी कैपिटल अक्यूमुलेट तब होगा बाय पार्सिमनी। तो मैं ये दो वर्ड्स लिख देती हूँ, कैपिटलिस्ट या कैपिटल आर इंक्रीज्ड बाय पार्सिमनी एंड डिमिनिश्ड बाय प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट। अब पार्सिमनी क्या है, पार्सिमनी होता है कि आप सेव कर रहे हो, आप खर्चा नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कम यूज़ कर रहे हो अपने मनी का, आप सेव ज़्यादा कर रहे हो, इन शॉर्ट सेव ज़्यादा कर रहे हो। और तो इस वजह से पार्सिमनी यानी आप सेव ज़्यादा करोगे, सेव ज़्यादा करोगे तो वेल्थ इंक्रीज होगी, कैपिटल अक्यूमुलेट होता रहेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा बाय पार्सिमनी। प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट क्या है कि आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो या यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, यूज़ ऑफ मनी इज़ हाई या इज़ लॉट, तो आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, आप सेव इतना नहीं कर रहे हो। तो जब आप खर्चा ज़्यादा करोगे तो कैपिटल अक्यूमुलेट नहीं होगा, वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें एडम स्मिथ ने कही थी कि पार्सिमनी से जो है वो कैपिटल अक्यूमुलेट होगा और प्रोडिगैलिटी से कैपिटल डिमिनिश होगा। इन दिस रिस्पेक्ट दे आर कॉट अप। ऑब्वियसली अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करो, कैपिटल कैसे अक्यूमुलेट डेवलपिंग कंट्रीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो वो विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक है। इस वजह से अब ये प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, क्योंकि कैपिटल स्टॉक जो है वो लो है। क्यों कैपिटल स्टॉक लो है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सेविंग्स कम करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर आप देखो वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होता है, MPC वैल्यू ज़्यादा होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, सेविंग्स कम होती है, सेविंग्स कम है इस वजह से कैपिटल स्टॉक कम है, कैपिटल स्टॉक कम है कैपिटल अक्यूमुलेशन कम है। तो हमने क्या देखा, कैपिटल अक्यूमुलेशन कम होगा तो डिविजन ऑफ लेबर नहीं होगा, नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कम है तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो क्या होगा, सेविंग आप कम करोगे तो आप एक विशियस सर्कल में फंस जाते हो। कौन? डेवलपिंग कंट्रीज विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। तो वे आउट एडम स्मिथ ने कहा कि इससे बाहर अगर निकलना है तो कैपिटलिस्ट क्लास सेव्स मोर ऑफ देयर प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट इन कैपिटल अक्यूमुलेशन फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास है, लेबर वर्कर क्लास नहीं, कैपिटलिस्ट क्लास है, जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट वो कैपिटल अक्यूमुलेशन में डाल दे, और इससे क्या होगा, इससे ग्रोथ होगा। क्यों ग्रोथ होगा? क्योंकि जब आप प्रॉफिट वापस से इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल अक्यूमुलेट हो रहा है, कैपिटल अक्यूमुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इससे डिवीजन ऑफ लेबर होगा, डिवीजन ऑफ लेबर से जो मैंने आगे बताती गई वो सारा होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, सेविंग ज़्यादा होगा, सेविंग ज़्यादा होगा तो कैपिटल अक्यूमुलेट होगा, कैपिटल अक्यूमुलेट होगा तो डिवीजन ऑफ लेबर और होगा, तो ऐसे सारा चलता रहेगा अक्यूमुलेटिव प्रोसेस। तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो कैपिटलिस्ट सेक्शन है वो सेव ज़्यादा करे, वो पार्सिमनी पे ज़्यादा ध्यान दे। दस अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ सेविंग ऑफ द सोसाइटी इज इंक्रीज बाय पार्सिमनी, दैट इज अनविलिंग टू स्पेंड द मनी, यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड द मनी, यू वॉन्ट टू सेव, ऑफ द कैपिटलिस्ट सेक्शन। विदाउट कैपिटल अक्यूमुलेशन क्या होगा, डिविजन ऑफ लेबर कैनॉट बी इंक्रीज मच। तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा
मैं बार बार वही चीज़ नहीं रिपीट करूँगी, बुक में वही चीज़ रिपीटेड है, मैं बार बार वही चीज़ नहीं रिपीट करना चाहती। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है पूरा। सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रोसेस में क्या आता है, कैपिटलिस्ट सेक्शन जो है वो सेविंग ज़्यादा करे। इससे क्या होगा, इससे अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, यानी मोर अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। इससे क्या होगा, इसके डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा होगा। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होगा, MPL यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज होगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगा। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होगी, इससे जब इनकम इंक्रीज हुआ तो मार्केट साइज़ बढ़ेगा। साइज़ ऑफ मार्केट कैसे बढ़ सकता है आप बोलोगे, देखो भाई जब आपका इनकम इंक्रीज़ होता है तो आप डिमांड ज़्यादा करते हो, या डिमांड ज़्यादा होगा तो साइज़ ऑफ मार्केट बढ़ना ही कहते हैं ना। अगर वो 10 लोग जो आपके एरिया में डिमांड करते थे उनका इनकम बढ़ गया, अब वो 15 यूनिट्स का डिमांड कर रहे हैं, तो यूनिट्स तो बढ़े ना। हमारा कहने का मतलब ये है साइज़ ऑफ मार्केट बढ़ने का, कि या तो डिमांड ज़्यादा हो या तो एरिया ज़्यादा कर दो कि ज़्यादा लोग डिमांड करने लगे, इन शॉर्ट डिमांड बढ़ जाए। तो इनकम जब बढ़ेगा तो आपका डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इंक्रीज ऑफ डिमांड से क्या होगा, साइज ऑफ मार्केट इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा। आउटपुट ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा करने चाहेंगे प्रोड्यूसर, एंड इनकम भी बढ़ेगा क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। इससे क्या होगा, अब इनकम जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मोर सेविंग, ज़्यादा लोग अब सेव कर पाएंगे, मोर सेविंग्स एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट के वजह से और कैपिटल अक्यूमुलेट होगा, और कैपिटल अक्यूमुलेट होगा तो वापस से फर्स्ट वाले पे जाओ, और ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगा, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगा, तो ये ज़्यादा चलता जाएगा। तीसरी चीज़ जो है, इंक्रीज़ इन मार्केट साइज़। अब ये इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, इंक्रीज़ इन मार्केट साइज़ जब होगी, साथ ही साथ आपका अवेलेबल है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल अगर होगा, तो ये दोनों चीज़ें मिलके टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करेंगे। ऑब्वियसली अब आपका कैपिटल ज़्यादा है, मार्केट साइज़ ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे कि हैंडवर्क ना करके हम एक काम करते हैं, मशीन ले लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होगी, आप मशीन बेस पे जाओगे तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी। तो ये पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो एडम स्मिथ ने दिया है। उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी में इस तरीके से आ सकती है। अब एडम स्मिथ जो है उन्होंने एक सीक्वेंस दिया है फॉर डेवलपमेंट। पहले सबसे पहले ऑब्वियसली अचानक तो होगा नहीं, सबसे पहले क्या होगा, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर क्रिएट करेगा सरप्लस। किसके लिए वो सरप्लस क्रिएट करेगा, इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एग्रीकल्चर से मिलेगा, और दूसरी चीज़ें, एक तो रॉ मटेरियल मिलेगा और दूसरी चीज़ जो है एग्रीकल्चर से इनकम इंक्रीज़ होगा। अब जब इनकम इंक्रीज़ होगा तो लोग क्या करेंगे, देखो एग्रीकल्चर से इनकम इंक्रीज़ होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ाने, ऑब्वियसली डिमांड करने लगेंगे। तो इनकम इंक्रीज़ के वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसका डिमांड इंक्रीज़ होगा। अब उन्होंने स्टेशनरी स्टेट की बात स्टेशनरी स्टेट क्या है, ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट देयर इज़ अ लिमिट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो अब ये ग्रोथ चलता थोड़ी रहेगा, एक लिमिट तो होगा ना। ऑब्वियसली आप बोल रहे हो कि इनकम सेविंग इंक्रीज होगा, कैपिटल अक्यूमुलेट होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, इनकम इंक्रीज होगा, वापस सेविंग इंक्रीज होगा, वापस कैपिटल अक्यूमुलेट होगा, वापस डिवीजन ऑफ लेबर होगा, ये चलता थोड़ी रहेगा, एक लिमिट भी तो होगा। और ये लिमिट कौन तय करेगा, क्यों होगा वो लिमिट, ऑब्वियसली एक कंटिन्यूस प्रोसेस का एंड कहीं पे होता है, वो एंड किस रीज़न के वजह से होता है। सबसे पहला रीज़न उन्होंने दिया कि यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ
नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन जो बढ़ा रहे हो उस पर एक लिमिट है, नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो तो उन नेचुरल रिसोर्सेज का एक लिमिट है, तो वो उस वजह से आपका एंड आ जाएगा उस प्रोसेस में। सेकेंड जो चीज़ है, देर विल बी अ फॉल इन प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स हैं वो इवेंचुअली फॉल होते जाएंगे क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, और इवेंचुअली जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आप करते जाओगे, प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, वैसे वैसे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे बट एट अ फॉलिंग रेट। तो इवेंचुअली प्रॉफिट्स भी फॉल होते जाएंगे। और एक और चीज़ है जिससे प्रॉफिट फॉल होंगे कि ज़्यादा डिमांड आने लगेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। किस मार्केट में? सेल के मार्केट में ज़्यादा लोग प्रोड्यूस करने लगेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको तो पता है, परफेक्ट कंपटीशन जब आता है यानी कंपटीशन बढ़ जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे तो क्या होता है, जो प्रॉफिट्स है वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने लगते हैं प्रोड्यूसर, तो प्रॉफिट्स भी फॉल होने लगेंगे। तो ये तब जो है एक स्टेशनरी स्टेट पे आ जाएगा, जो भी इकोनॉमी है वो स्टेशनरी स्टेट पे आ जाएगा। आफ्टर अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेशनरी स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज रीच्ड वेयर फर्दर कैपिटल एक्यूमुलेशन सीजेस, यानी फर्दर कैपिटल एक्यूमुलेशन आप नहीं कर पाओगे एंड प्रॉफिट्स फॉल टू अ लो लेवल एंड विद द फर्दर इंक्रीज इन पॉपुलेशन वेजेस बिकम इक्वल टू सब्सिस्टेंस लेवल। अगर पॉपुलेशन भी बढ़ता है इस स्टेशनरी स्टेज के बाद तो क्या होगा, वेजेस जो हैं वो फॉल करेंगे, वेजेस फॉल करेंगे टू सब्सिस्टेंस लेवल। अब सब्सिस्टेंस लेवल क्या होता है? सब्सिस्टेंस लेवल होता है कि आप सिर्फ अपने बेसिक खर्चे निकाल पा रहे हो, उससे ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं हैं, तो सब्सिस्टेंस लेवल इन शॉर्ट वो होता है। तो इसी चीज़ में उन्होंने लेजे फेयर की भी बात की थी। लेजे फेयर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इनविजिबल हैंड का मेंशन है। इनविजिबल हैंड भी वही है कि मार्केट को खुद काम करने दो, खुद एडजस्ट होगा, खुद प्राइस एडजस्ट करके खुद ब खुद काम करने लगेगा। अब मैंने आपको पूरी थियोरी तो समझा दी, एडम स्मिथ की जो थियोरी है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, डिविजन ऑफ लेबर, कैपिटल अक्यूमुलेशन एंड फ्री इंटरनेशनल मार्केट। इन तीन वजह से इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट या ग्रो कर सकती है। अब डेवलपिंग नेशंस क्यों ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्या रीज़न है? जो लेजे फेयर का जो फीचर उन्होंने बताया कि लेजे फेयर इकोनॉमी होना चाहिए, वो डेवलपिंग नेशन के केस में मैटर करता है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन डेवलपिंग नेशंस में चाहिए, क्योंकि देयर आर सर्टेन रीज़न कि जो डेवलपिंग नेशंस है वो उस एडम स्मिथ की जो थियोरी है उसके बेसिस पे डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर आर दीज रीज़न्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि मैं अभी फटाफट से एक्सप्लेन कर दूँगी। इन रीज़न के वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो एक चीज़ उन्होंने कही थी कि नहीं होना चाहिए, वो नीडेड है। तो एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो जाता है एडम स्मिथ की थियोरी का, कि उन्होंने जो एक अजम्पशन दिया था लेजे फेयर का, वो डेवलपिंग नेशन के केस में हो ही नहीं सकता, वरना जो डेवलपिंग नेशन है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। सबसे पहले है कि डेवलपिंग नेशन में आप परफेक्ट कंपटीशन नहीं देखोगे, आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखोगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, उसमें वो अलग कैसे है परफेक्ट कंपटीशन से, वो एक अलग सेक्शन हो गया। इतना सिर्फ समझ लीजिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जब आता है ना, तब जो प्रोड्यूसर होता है वो थोड़ा प्राइस इंक्रीज कर सकता है कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर को यूनिट्स जो है, आउटपुट जो है वो कम मिलेगा, और इसी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट रिक्वायर्ड होती है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो आप लाओ, आप कंट्रोल करो प्राइस को, और ताकि परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करे, तभी जो है वो एफिशिएंसी बढ़ेगी किसी भी इकोनॉमी में, तभी वो अच्छे से डिमांड करने लगेंगे। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा, लोग डिमांड कम करेंगे, तो इस वजह से गवर्नमेंट रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। अगर आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स पता हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सेकेंड, इनएडिक्वेट कैपिटल रिसोर्स। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं
उनके पास इतने कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, वो अपने बेसिक खर्चे निकाल नहीं पा रहे हैं, तो अब आप बोल रहे हो कि वो अक्यूमुलेट कैसे करे कैपिटल को, वो सेव कैसे करे। अरे सेव करने के लिए पैसे आने भी तो चाहिए, कैपिटल रिसोर्सेज ही नहीं है। तो ये इस वजह से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। आपने क्या कहा, एडम स्मिथ ने कहा कि जो कैपिटलिस्ट सेक्शन है वो सेव करेगा, लेकिन उनके पास बेसिक खर्चे के लिए ही कैपिटल रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है उतने, तो वो कहाँ से कैपिटल अक्यूमुलेट करेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट रिक्वायर्ड है। तीसरी चीज़, देयर इज़ इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी प्लांट इक्विपमेंट्स है वो इमोबाइल है। इमोबाइल है यानी एक कंट्री से अचानक डिमांड कहीं और आ गया, वहाँ पे आप सप्लाई करने लगे एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो आप इजीली कैपिटल को मोबाइल नहीं कर सकते हो, रिसोर्स को मोबाइल नहीं कर सकते हो, इधर से उधर पहुंचा नहीं सकते। तो उसके वजह से एक ये पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे डेवलपिंग नेशंस इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, वो ग्रोथ प्रोसेस में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आपने क्या बोला, प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे डिमांड, जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज जो है वो मोबाइल होने चाहिए, लेकिन इमोबाइल है रिसोर्सेज डेवलपिंग नेशंस में। तो ये एक चीज़ है। नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली रोड्स अच्छे होने चाहिए, तभी ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, बेसिक एम्यूनिटीज़ बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ये सारी चीज़ें डेवलपिंग नेशंस में है ही नहीं अभी तक। तो अब इन सब को पहले बनाने के लिए, हाईवेज हैं जो एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो कॉस्ट होता है वो बहुत हाई है, और उनमें जो उनमें से जो भी रिवॉर्ड आता रहता है बाद में वो बहुत टाइम लेता है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है कि वो इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को ले और रोड्स हाईवेज ये सारे बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके, ताकि एक्यूमुलेशन हो सके। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने कही कि MPC कम होना चाहिए। हमने क्या कहा कि लोग जो है वो सेव ज़्यादा करेंगे तब कैपिटल अक्यूमुलेट होगा। अब सेव ज़्यादा कब करेंगे, जब वो कंजम्पशन कम रखेंगे। कंजम्पशन कम डेवलपिंग नेशंस में नहीं होता। अगर आप डेवलपिंग नेशन देखो, उनका एक फीचर ये है कि वहाँ पे डेवलपिंग नेशंस जितने भी हैं वहाँ पे MPC हाई होता है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन उनका ज़्यादा होता है। अब मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट लिखा है। डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर आप समझो आप ए पर्सन हो, ए पर्सन जो है वो ऑलरेडी कंजम्पशन जो है वो एक एरिया में रह रहा है, हाई क्लास सोसाइटी है वहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ पे कंजम्पशन उसका कुछ 10 लाख रुपीज़ का हो रहा है पर मंथ का, ठीक है। अब अचानक से बैंकक्रप्ट हो गया, कुछ चीज़ें हो गई, कुछ फ्लॉज हो गए, कुछ चीज़ें हुई, वो मिडिल क्लास बन जाता है, हाई क्लास से वो मिडिल क्लास बन जाता है, लेकिन वो वहीं पर रह रहा है, घर उसका खुद का था तो एटलीस्ट वो वहीं पर रह रहा है। तो अब वो खर्चा ऐसे तो नहीं कर सकता, सीधा 1 लाख का नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, वो डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट क्या होता है कि भले ही आपका इनकम कम हुआ हो, आपका कंजम्पशन कम नहीं होता, आपका कंजम्पशन हाई ही रहता है। आप खर्चा 10 लाख का नहीं करके 9 लाख का करोगे, बट आप कम नहीं करोगे उतना ज़्यादा। डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो आप दूसरों के साथ, उस एरिया में रह रहे हो तो उनको, उनके साथ उनके जैसा स्टेटस सिंबल ऐसे दिखाने के लिए आप अपना कंजम्पशन कम नहीं करोगे। तो इस वजह से उनका MPC जो है वो बहुत हाई होता है डेवलपिंग नेशंस का। तो इस वजह से वो सेव नहीं करेंगे, कैपिटल अक्यूमुलेट नहीं होगा, और वो जो प्रोसेस था वो नहीं होगा। तो इन शॉर्ट ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, ये एडम स्मिथ की थ्योरी है फॉर डेवलपमेंट, और ये एक ही पूरा शीट में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये थियोरी अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करते रहिए। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।